अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 11, जहां एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये दो इक्वेशंस द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने पोस्ट की थी। देखने से तो ये बहुत ही ऑर्डिनरी सी इक्वेशन नजर आती है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ये वैसी है नहीं। मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को एक बार पॉज करके आप इनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर हम एल्जेब्रिकली इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही मैसी बन जाएंगी। आइए देखते हैं रामानुजन ने इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमें मिलेगा अंडर रूट एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 11, जो कि माइनस 4 के बराबर होता है। अब हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देना है कुछ इस तरीके से। हम इस इक्वेशन में दोनों साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि राइट हैंड साइड में प्लस 4 बन जाए, तो ये इक्वेशन हमारे सामने आएगी। अब आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, हमें पता है हम x को लिख सकते हैं अंडर रूट x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम y को भी लिख सकते हैं अंडर रूट y का होल स्क्वायर, राइट? अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले ब्रैकेट में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई ब्रैकेट अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 4। साफ दिखाई दे रहा है कि हम अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई को यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब आपको यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि मैं इन दोनों ब्रैकेट की सारी वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज को यहां पर चेक करने वाला हूं। जैसे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई की वैल्यू अगर मैं 2 मान लेता हूं तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस 1 की वैल्यू भी 2 माननी पड़ेगी, तभी तो 2 × 2 मिलाकर 4 होगा। ऐसे ही अगर मैं पहले ब्रैकेट की वैल्यू को 4 मान लेता हूं तो दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू को मुझे 1 मानना होगा, और अगर मैं पहले ब्रैकेट की वैल्यू को 1 मान लेता हूं तो दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू को मुझे 4 मानना पड़ेगा। केवल यही 3 पॉसिबिलिटीज मेरे सामने आएंगी। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने वैल्यूज को फ्रैक्शन में अज्यूम क्यों नहीं किया, तो इसका आंसर ये है कि अगर आप वैल्यूज को फ्रैक्शन में अज्यूम कर लेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यूज भी फ्रैक्शन में ही आएंगी, जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक्स और वाई की इंटीजर वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। अब हम इन दोनों इक्वेशन और इनकी सारी पॉसिबल वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे, तो माइनस अंडर रूट वाई और प्लस अंडर रूट वाई यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4.5.5। अगर हम 1 को इक्वेशन के राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5.6.6। अगर हम 2 को भी इक्वेशन की राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें मिलेगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5/2.3.3। क्योंकि हमें केवल इंटीजर वैल्यूज को कंसीडर करना है तो हम अंडर रूट एक्स को 3 के इक्वल ले लेंगे, तो यहां से एक्स इक्वल टू 9 हमें आंसर मिलेगा। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आएगी 4, यानी x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।